दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पांच तरीके थे, पांच मेथड थे, उन पांचों मेथड के जरिए आप किस प्रकार आप अपनी आईडी को और दूसरे की आईडी को अपग्रेड कर सकते। मेथड नंबर वन, यानी कि आप चैमकैश से जो आप पैसा कमाया है और इनकम जंक्शन से जो सर्वे और ऑफर वोट और आपकी टीम के जरिए जो पैसा कमाया है, अपनी उस कमाई हुई राशि से आप किस प्रकार अपनी आईडी को और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम या डायमंड क्राउन डायमंड एम्बेसडर रॉयल एम्बेसडर एंड चैंपियन किसी भी रैंक पे आप हो, दूसरे पर्सन की आईडी को किस प्रकार अपग्रेड कर सकते हो अपनी कमाई हुई राशि से। मैं आपको बताना चाहूंगा पैकेज कॉस्ट $11 है। इनकम जंक्शन को लेने के लिए आपको पैकेज कॉस्ट जो है वो $11 है। गवर्नमेंट का जो टीडीएस बनता है, जो गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स बनता है वो $1.65 बनता है और जो टीडीएस बनता है वो $1.41 बनता है। जो ये टीडीएस बनता है सर, ये आपकी कमाई हुई राशि का टीडीएस। अगर आप अपनी खुद की आईडी को एक्टिवेट कर रहे हो तो आपको ये पूरा कॉस्ट लगेगा, पैकेज कॉस्ट भी, सर्विस टैक्स भी और टीडीएस, टोटल $14.06 आपका लगेगा और आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप सिल्वर से ऊपर किसी भी रैंक पे हो तो आप दूसरे पर्सन की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि उस अवस्था में जो ये टीडीएस बनता है $1.41, ये आपको उस थर्ड पर्सन से बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी आप आईडी एक्टिवेट, क्योंकि ये सर्विस जो ये टीडीएस है, ये टीडीएस तो सर आप अगर बैंक में पैसा लोगे तो भी आपका कटना है, अगर किसी दूसरे पर्सन की आप आईडी एक्टिवेट करोगे तो भी आपका कटेगा और ये टीडीएस आपके पैन कार्ड पे जमा होगा। तो ये जो टीडीएस बनता है ये बिल्कुल भी नहीं लेना उस बंदे से, सिर्फ आपने $12.65 लेना, यानी कि ₹800 उस बंदे से लेने हैं और उस बंदे की आईडी एक्टिवेट कर देनी है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आप सिल्वर से ऊपर किसी भी रैंक पे हो और उस रैंक पे होने के बाद किसी दूसरे बंदे की आईडी को एक्टिवेट कर रहे हो तो आपसे चुनचाल कटा हुआ ऐसे कटेगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस प्रकार। रेफरल का रोल बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हो, आप जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करोगे, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो या प्लेटिनियम हो या किसी भी रैंक पे हो, रेफरल बीच में होगा ही होगा, क्योंकि रेफरल कोई भी हो सकता है, आपकी टीम में होगा, अदर्स टीम में होगा, कोई भी हो सकता है। रेफरल का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि एक बंदा जिसको आप जानते भी नहीं, रेफरल उस आईडी, उस बंदे की आईडी को एक्टिवेट कराएगा किसी सिल्वर या गोल्ड से, और सिल्वर या गोल्ड से जब वो आपने उस बंदे की आईडी एक्टिवेट कराएगा तो उस रेफरल को $1 सीधा सीधा पहुंचेगा। जो एक्टिवेटर होता है, जो एक्टिवेट करेगा उसे सीधा सीधा $2 आएगा, $2। अब अगर कोई पर्सन आपकी डाउनलाइन में है, पहले लेवल में, फर्स्ट लेवल में, और वो अपनी आईडी को अपग्रेड करा रहा है तो सीधा सीधा आपको $1.50। अगर आपके लेवल 2 से लेके 7 लेवल तक किसी भी लेवल पे है बंदा और किसी भी लेवल पे अगर आईडी एक्टिवेट होगी तो सीधा सीधा आपको $0.50 मिलेगा, सीधा सीधा $0.50। अचीवर, किसी भी रैंक पे आप हो, अचीवर के लिए सीधा सीधा $1.50 एक आईडी से जाएगा। ये $1.50 किस प्रकार बढ़ता है उसके बारे में मैं आगे अचीवर रैंक बोनस जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, पर बोनस बोनस $0.50 जाएगा, ये भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पर बोनस बोनस कटता है। कंपनी का जो चार्ज है वो $1 लगेगा। इस प्रकार ये मेथड है, इस प्रकार ये पहला मेथड है कि कोई सिल्वर रैंक से ऊपर वाला जब किसी थर्ड बंदे की आईडी को एक्टिवेट करता है कितना चार्ज उसे लगेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में,